Welcome to DigiFortech. Please subscribe and press the bell icon. PayPal ने अपना वन टच इंस्टेंट पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड ओएस के लिए, यानी कि अब आप एंड्रॉयड मोबाइल पे इसका मजा ले सकते हैं। BSNL ने बम्पर ऑफर का डेट को एक्सटेंड कर दिया है। BSNL अपने सभी रिचार्जेस में 2.21 GB डेटा पर डे डेटा आपको एक्सटेंड करके देगा। इस रिचार्ज का आप बेनिफिट ले सकते हैं जून 30, 2019 तक। BSNL के रिचार्ज के लिस्ट है 186 रुपीज़, 429 रुपये का, 485 रुपये का, 666 का, 999 का और 1699 का। इन सभी रिचार्जेस में आपको 2.21 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें से सबसे बेस्ट रिचार्ज है 1699 का। इसकी वैलिडिटी है 365 डेज, यानी कि 1 साल, और इसमें आपको डेली 4.21 GB डेटा मिलेगा। YouTube के इंजीनियर ने कंफर्म कर दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 का सपोर्ट हम जल्द ही बंद करने वाले हैं। अब आप YouTube ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्सन 6 है तो। OnePlus 7 के कुछ प्राइस लीकल के आए हैं। इससे ये पता चलता है कि OnePlus 7 का बेस वेरिएंट का प्राइस हो सकता है 39,500, रफली नियर अबाउट 40,000। ये 14 मई को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 SoC देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले रहेगा, फास्ट चार्जिंग रहेगा, रैप चार्ज, और इसमें रियर पे आपको 2 कैमरा रहेगा और एक वाटर ड्रॉप नॉच रहेगा। स्पेस रॉक क्रैश हो गया है मून पे 19 जनवरी 2019 को। हाँ, ये काफी पहले रिलीज क्रैश हो चुका था, बट नासा इस बहुत सारे ऐसे चीजें को अनवील नहीं करता है, जो कि आज फाइनली नासा ने अनवील किया है कि ये 60,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रैश हुआ था मून पे, और इसे इसकी इंपैक्ट को 0.28 सेकेंड तक नासा के कैमरे ने कैप्चर भी किया था। सैमसंग का को होश आ गया है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रांड मैटर नहीं करता, ब्रांड के साथ उसे प्राइस भी इफेक्टिवली रखनी पड़ेगी। जैसे कि इस साल सैमसंग बिल्कुल पागल हो चुका है। सैमसंग का गैलेक्सी M सीरीज नया लॉन्च किया, सैमसंग गैलेक्सी का A सीरीज को रिफ्रेश किया, सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज पे 3 फोन लॉन्च कर दिए, S10, S10 प्लस, S10e। वैसे ही M सीरीज में M10, M20, M30, A सीरीज पे A10, A20, A30, A40, A50, A70, A80 बहुत सारे लॉन्च कर दिए, है ना। तो सैमसंग ने अपने A10 पे 500 रुपये कम किया है, A20 पे 1,000 रुपये कम किया है और A30 पे 1,500 रुपये कम किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि सैमसंग के M सीरीज पे बहुत ही ज्यादा एनोइंग डिस्टर्बेंस ऐड आते हैं, और सैमसंग ने जो प्रोसेसर यूज किया है वो 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है। सैमसंग के A सीरीज में भी A10, A20 वाले जितने भी फोन है सब में ऐड आते हैं और प्रोसेसर पुराना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आप M सीरीज पे जाने वाले हैं तो मिनिमम M20 लीजिए, क्योंकि वो 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, और अगर आपको ट्रिपल कैमरा चाहिए तो M30 लीजिए कम रेंज में। अगर आप थोड़े प्रीमियमनेस दिखाना चाहते हैं ब्रांड के साथ, आपको लुक डिजाइन प्रॉपर डिस्प्ले चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी A10 को स्किप कर दीजिए, बिल्कुल बेकार फोन है। A20 को भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है तो आप A20 पे जाइए, क्योंकि A20 पे आपको मिलेगा डबल कैमरा, सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले। इसके अलावा A30 पे आपको सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले मिलेगा और बैक पे आपको ग्लॉसी थोड़ा सा डिजाइन मिलेगा, और 4G वोल्टी ये दोनों फोन कैपेबल है। एयरटेल ने भी कुछ नया ट्रिक लगाया है। एयरटेल ने हैशटैग एयरटेल थैंक्स गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम बेनिफिट अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। आप जितने ओल्ड कस्टमर है एयरटेल पे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप नए कस्टमर है तो आपको सिल्वर बेनिफिट मिलेगा, अगर आप मीडियम कस्टमर है यानी कि 2-4 साल पुराने कस्टमर है तो आपको गोल्ड मिलेगा, और आप काफी पुराने कस्टमर है 8-10 साल पुराने कस्टमर तो आपको प्लेटिनम बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट पे अमेजोन आपको अपने रिचार्जेस के साथ बंडल ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, जो कि है अमेजोन प्राइम मेंबरशिप, एयरटेल टीवी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, विंक म्यूजिक का सपोर्ट दे रहा है, नॉर्टन एंटीवायरस दे रहा है आपको,
और कुछ डिस्काउंट्स कूपन दे रहा है। एयरटेल का नया रिचार्ज आया है 299 का, इसमें आपको मिलेगा 2.5 GB पर डे डेटा, 28 डेज की वैलिडिटी, और 28 डेज के लिए आपको अमेजोन प्राइम मेंबरशिप भी मिलेगा। एयरटेल टीवी प्राइम मिलेगा 28 डेज के लिए, विंक म्यूजिक मिलेगा 28 डेज के लिए। गूगल ने एक नया एआई लॉन्च किया है कॉल जॉय। ये एआई जो है डुप्लेक्स, गूगल का जो वेल डेवलप्ड एआई है डुप्लेक्स, उसका एक लाइट वेरिएंट है। इसे अगर आप स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। इसकी प्राइस है $39 एक महीने के लिए, और ये सिर्फ वैलिड है आज के डेट में, सिर्फ यूएस पे लॉन्च हुआ है। इसमें ये एआई आपके अगेंस्ट यानी कि आपके कस्टमर्स को ईमेल का रिप्लाई देगा, कॉल रिसीव करेगा। जैसे कि आप सभी ने मार्वल के आयरन मैन वाली पिक्चर देखा है, उसमें जो जारवेस होता है, फ्राइडे होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ करता है। उसी तरीके से गूगल का ये एआई है, बट ये उतनी हाईटेक नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, बट गूगल ने का जो डुप्लेक्स है वो काफी एडवांस है एज कंपेयर कॉल जॉय, उसका लाइट वेरिएंट है। गूगल ने वेरिएबल डिवाइसेस के लिए यानी कि वेरिएबल ओएस के लिए विडगेट का भी सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। अब आप इसे टाइल्स की मदद से देख सकते हैं, और ये विडगेट स्वाइप सपोर्ट भी करता है जब आपको जरूरत है। मान लीजिए जैसे आपको लाइव क्रिकेट स्कोर देखना है, विडगेट से आपने देखा, फिर इसे स्वाइप करके है ना कैंसल आउट कर सकते हैं आप। नासा ने कहा है कि एल्यूमिनियम फ्रॉड में नासा को $700 मिलियन का नुकसान हुआ है, रफली 4,900 करोड़ रुपए का। फिटबिट ने दावा किया है कि Q1 2019 में फिटबिट ने 2.9 मिलियन वेरिएबल डिवाइसेस को सेल आउट किया है ग्लोबल मार्केट के शेयर के अकॉर्डिंग, और आज शेयर मार्केट पे फिटबिट का मार्केट शेयर 1.5% इंक्रीज होके $5.45 पर शेयर का प्राइस हो चुका है, रफली ₹380 का। रशिया में कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है कि नए इंटरनेट लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, सेंसरशिप को लाया जाए। सपोज ये मान के चलिए आपके पास अगर इंटरनेट है तो आपको बहुत सारे वेबसाइट यूज करने के लिए रशिया के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, या रशियन गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट ओपन करके रखा है सिर्फ आप उसे ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है कि इसे अप्लाई किया जाए कि नहीं, अभी इस पे बात हो रहा है। मोटोरोला वन विजन लॉन्च होने वाला है 15 मई 2019 को। इसमें आपको मिलेगा होल पंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 3500 mAh की बैटरी, मोटोरोला का टर्बो चार्ज, और इसमें आपको सैमसंग का एक्सिनोस 9610 वाला एसओसी देखने को मिलेगा। विप्रो के डेटा ब्रीच को स्कैन किया गया है, मतलब कि एनालाइज किया गया है, और ये बताया गया है कि विप्रो के डेटा ब्रीच ये आज के डेट का करंट अटेम्प्ट नहीं था, इसके लिए कोशिश किया जा रहा था सिंस 2015 यानी कि 2015 से कोशिश किया जा रहा था कि विप्रो का डेटा ब्रीच कैसे किया जाए, यानी कि हैकर ट्राई कर रहे थे कि विप्रो को हैक कैसे किया जाए। वीवो का Y90 I की प्राइस इंडियन मार्केट के लिए कट हो चुकी है। दोनों में आपको हजार हजार रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया है, और दोनों ही फोन मैं बता रहा हूं आप इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें हीलियो का P22 प्रोसेसर है, 2 GB की रैम है, 4000 mAh की बैटरी है, 6.2 इंचेस का HD वाला डिस्प्ले है। एप्पल ने नया पेटेंट रजिस्टर्ड कर लिया है फाइनली। अब इस पेटेंट को देख के ये पता चल रहा है कि एप्पल में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट आ सकता है, टच आईडी रिमूव हो जाएगा फाइनली, यानी कि फुल डिस्प्ले फेस पासवर्ड तो रहेगा ही, IR फेस पासवर्ड, उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी रहेगा। लेकिन आप इसे इस साल के लिए एक्सपेक्ट ना कीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो सकता है 5G वाले आईफोन और 2020 पे या 21 पे आने वाले आईफोन पे ही ये आपको इंप्लीमेंट करके दिया जाएगा। हुआवे का 8K टीवी लॉन्च होने वाला है, जो कि एक 5G इनेबल टीवी रहेगा। इसकी कुछ लीक्स प्राइस से ये पता चलता है कि €2,300 का इसका प्राइस हो सकता है। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1,80,500 रुपए इसकी प्राइस बनती है, और ये Q4 2019 तक यानी कि इस साल के एंड तक लॉन्च हो सकता है।
टिकटॉक ने अनवील कर दिया है अपना नया सेफ्टी फीचर्स को, ऐप के क्यूज को और डिवाइस मैनेजमेंट को, नोटिफिकेशन कंट्रोल को। ये बहुत सारी चीज ट्विटर को इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि ट्विटर के खिलाफ एक्शन लिया गया था, है ना। और ये अच्छी बात है कि ट्विटर ने उस एक्शन का सही तरीके से रिप्लाई किया है कि हाँ, अपने एप्स में काफी इंप्रूवमेंट किए हैं, चेंजेस कर रहा है ट्विटर के डेवलपर टीम। OnePlus 7 Pro गीक बेंच में स्पॉट हुआ है। इस स्पॉट से ये पता चलता है कि इसमें 12 GB की रैम हो सकती है, 855 वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एसओसी हो सकता है। 14 मई 2019 को ये लॉन्च होने वाला है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा भी रहेगा, इसमें 30 वॉट का वॉर्प चार्जर रहेगा और क्वाड HD+ वाली इसकी डिस्प्ले रहेगी। नेटफ्लिक्स रोल आउट कर रहा है हाई क्वालिटी का ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को। जैसे कि आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स बहुत कॉस्टली है। उसकी प्राइस पर मंथ कॉस्ट मिनिमम 500 से चालू होके मैक्सिमम 500 रुपये है, फिर 700 रुपये है, फिर 800 रुपये है। इसके तीन ही प्लान हैं इंडिया पे 1 महीने के लिए, लेकिन नेटफ्लिक्स ही एक अकेला ऐसा स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर है इंडियन मार्केट पे जो 4K स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है अप टू 4 एक्टिव डिवाइसेस पे। अब नेटफ्लिक्स और एक कदम आगे जा रहा है क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए। अगर आप डॉल्बी एटमॉस आउटपुट लेना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में 768 KBPS तक का ऑडियो आउटपुट सपोर्ट आ चुका है, और अगर आप 5.1 चैनल पे जाते हैं तो 5.1 चैनल की ऑडियो रेंज को भी बूस्ट अप कर दिया गया है। जो पहले था 192 KBPS, अब उसे बूस्ट करके किया गया है 640 KBPS तक। नेटफ्लिक्स के लिए आप हाई पैसा तो पेड करते ही हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स ही एक ऐसी सर्विस है जो बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज आज के डेट में आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप टेक कॉन्शियस हैं और आपके पास 4K इनेबल हैंडसेट है, 4K हैंडसेट है, या 4K वाला प्रॉपर एक टीवी है जो कि HDR10 कंटेंट भी सपोर्ट करता है, तो उस डिस्प्ले का असली मजा आपको लेना है तो आपके पास नेटफ्लिक्स होना ही चाहिए। MX प्लेयर में अब गेम का भी सपोर्ट आ चुका है, बट ये कुछ हाई फाई गेम नहीं है, 2D लेवल का नॉर्मल बेसिक टाइप का गेम रहेगा, जैसे कि टेट्रिस वगैरह जो कॉमन टाइम पास रहता है, क्रॉस ओवर, लूडो किंग, इस टाइप के बेसिस गेम रहेंगे। क्योंकि MX प्लेयर भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो कैसे हॉटस्टार, सोनी ली, इन सब से कॉम्पिटिशन कर सके, वूट से कॉम्पिटिशन कर सके। आप MX प्लेयर पे भी अब काफी सारे सीरियल्स, वीडियोस, कंटेंट फाइल ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मोटोरोला का मोटो Z4 फोन लीक हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इसमें 3.5 mm का जैक तो रहेगा, साथ ही साथ USB Type-C पोर्ट भी रहेगा, मोटो मॉड का सपोर्ट रहेगा, Android 9 Pie ऑन द टॉप रहेगा, 6.4 इंचेस की OLED डिस्प्ले रहेगी, और ये Q3 2019 पे लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम Snapdragon 675 SoC मिलेगा। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन फाइनली फिर कैंसल हो चुका है। इसके पहले ये शेड्यूल्ड था अप्रैल पे, अब इसे शेड्यूल किया गया है फाइनल कैंसल करके, या पोस्टपोन्ड बोले, या पोस्टपोन्ड करके जुलाई 9 टू जुलाई 16 के नियर अबाउट इसे लॉन्च करने का एक्सपेक्टेशन है। और देखते हैं इस बार ये कंफर्म होता है कि ये और आगे डिले हो जाता है। गूगल Pixel 3a, Pixel 3a XL इंडियन मार्केट पे फाइनली लॉन्च होने वाला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने टीज कर दिया है। गूगल के भी ये फोन, दोनों ही फोन काफी लंबे समय से लीक्स पे आ रहे थे, और ये लॉन्च हो सकता है 7 मई रात में, दोपहर रात को 12 बजे, या फिर 8 मई को मॉर्निंग पे 10 बजे इंडियन मार्केट के लिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम Snapdragon 670 SoC, 5.6 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, और इसमें सेम प्योर ओरिजिनल Pixel 3 के ही बैक कैमरा रहेगा, और इसका प्राइस रफली निकल के आया है $399। अगर फ्लैट इंडियन मार्केट के लिए आप कन्वर्सेशन करते हैं तो 27,800 रुपए। स्टफ कूल का स्टफ बर्ड नाम का ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लॉन्च हो चुका है इंडिया के लिए। इसकी प्राइस रखी गई है 5,000 रुपए। इसमें आपको 300 mAh की बैटरी मिलेगी और ये ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट करता है। Redmi का जो एक नया फ्लैक्सी फोन आने वाला है, Redmi Snapdragon 855 फ्लैक्सी प्रोसेसर के साथ,
इसके रेडमी के जीएन लू विंग बेंग ने कहा है कि ये रेडमी का एक्स सीरीज नहीं है, हम कुछ नया रिफ्रेश्ड एडिशन वाला सीरीज लाएंगे। इसमें आपको पंच होल डिजाइन भी देखने को मिल सकता है या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। रियर पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो रहेगा ही रहेगा और इसमें प्रोसेसर भी आपको बूस्ट हो सकता है। अगर इसका एक लाइट वेरिएंट आता है तो आपको मिलेगा इसमें 730G वाला प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन के तरफ से ही आता है, और अगर इसका एक प्रो वेरिएंट जो आएगा वो रहेगा स्नैपड्रैगन 855 के साथ। गूगल ने ऑटोमेटिकली डिलीट लोकेशन का फीचर रोल आउट करने का डिसीजन फाइनली ले लिया है। अभी फिलहाल ये डेवलपर बेस पे है, यानी कि ये टेस्टिंग मोड पे है और ये आप सभी को धीरे से रफली 3 महीने के अंदर में मिल जाएगा, क्योंकि Q2 2019 पे आपको ये मिलेगा। बाकी डेवलपर जैसे यूजर्स को ये पहले ही दे दिया जाएगा टेस्टिंग करने के लिए। यूके फायर कर सकता है डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर गेविन विलियमसन को, क्योंकि हुआवे का कुछ डेटा लीक हुआ है, उस वजह से इनके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओयो ने एक्वायर कर लिया है ली सिक्योर ग्रुप को 415 मिलियन पे, और अगर आप इसे इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं तो 2900 करोड़ में। एप्पल फाइनली फिर से 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर पे आ चुका है। अभी एप्पल अपने आईफोन सेल के ड्रॉप की वजह से इस मार्केट से कम नीचे आ चुका था, 969 बिलियन पे हो चुका था, जो अब वापसली बूस्ट हुआ है और 1 ट्रिलियन तक एप्पल पहुंच गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं मेरी अगली वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। थैंक यू।